राम राम भाई, सारे भैया ने स्वागत है भाई ने व्लॉग में। तो भाई कई भैया का कमेंट आया कि भाई हम रनिंग कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो भाई आप किस तरह रनिंग स्टार्ट कर सको इन बारे में बतवाओ ये व्लॉग में, ठीक है ना। तो बढ़िया रहियो भाई लास्ट तक व्लॉग में, तभी आपने ध्यान पड़ पाओगे कि आप रनिंग किस तरह स्टार्ट कर सका, शॉर्ट रनिंग, लॉन्ग रनिंग, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, क्रॉस कंट्री, ठीक है ना, सबके बारे में बताऊंगा भाई, ठीक है ना। बढ़िया रहियो व्लॉग में लास्ट तक। ये सबसे बड़ी बात है रनिंग करने के लिए, सबसे पहला घर से निकलना, ठीक है ना। तो सुबह उठ के घर से निकल लो, ठीक है। पहला बता दूं भाई, जो शॉर्ट रनिंग करिया करे मांग लिए भाई, अगर आप शॉर्ट रनिंग करिया करो तो सब जरूरी चीज़ है कि आप पंजा पे रनिंग करिया करो ना, तो भी रनिंग में स्पीड भी बढ़ेगी और शॉर्ट रनिंग को फ़ायदा भी मिलेगा भाई। मतलब 400 मीटर, 100 मीटर, 1600 मीटर आर्मी रनिंग, ठीक है। आर्मी तो रही कौन भाई, अग्निवीर है अब तो, पर तो भी जो भी जब भाई जानो चाहे तो उसके लिए भाई पंजा पे एकदम कहते यूँ यूँ देख सको, यूँ पंजा पे जोर दे के पंजो उठनो चाहिए, ठीक है। पंजो उठ के वापस चालना पड़े तभी भाई शॉर्ट रनिंग कंप्लीट हुआ बढ़िया तरीके से। अभी भाई अलग अलग स्टेप होया करे 400 मीटर का, 400 मीटर तो तीन राउंड है वो भाई एक स्पीड में खींचना, उसके बाद में जो लास्ट राउंड है वो कति एकदम जान लगा के खींचना, ठीक है। और उसके बाद में भाई लॉन्ग रनिंग है 5 किलोमीटर पूरा पैर पर दौड़ना, ठीक है ना। जो पूरा आपको जो पग्गो है नहीं ये एकदम यूँ टिकना चाहिए, ठीक है, और यूँ ही उठना चाहिए, यूँ टिक के और यूँ ही उठना चाहिए, ठीक है। यूँ टिक के नहीं यूँ उठेगा ना भाई तो आप लॉन्ग रनिंग में आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यूँ टिक के यूँ ही उठेगा, ठीक है ना। जो भाई अल्ट्रा मैराथन रनर है या मैराथन रनर है, 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रनर है, उनके वीडियो हो गए भाई, या मेरा भी वीडियो भाई, अभी मैंने तो अभी तक पूरा 25 मिनट का वीडियो बनाया नहीं है, बनवाएंगे भाई जल्दी, काम चल रही है। तो उनके वीडियो पे आप देख सको कि उनके पैर किस तरह उठ रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन में उनके पैर 400 मीटर में पंजा पे उठ रहे हैं, और अगर वो 5 किलोमीटर रनिंग लगा रहे हैं तो उनके पूरे के पूरे पैर टिकते हैं भाई ऐसे, देखो भाई इस तरह पैर टिकेंगे और इस तरह ही उठेंगे वापस, ठीक है ना। इन वो एक फ़ायदा भाई कि जी लॉन्ग रनिंग है नहीं भी में आपकी स्पीड एक जैसी बनी रह सके, ठीक है ना। नहीं तो पंजा पे रनिंग करानी तो आपकी स्पीड घटती बढ़ती रहे, ठीक है ना। बिन लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल रखनी थोड़ी मुश्किल हो जाए, आपको पूरा पैर टिकेगा नहीं तो आपकी जो रनिंग स्पीड है और रनिंग स्टेमिना है वो लगातार सेम बनो रहेगा पूरी रनिंग में, ठीक है नहीं। और यही सेम बात भाई क्रॉस कंट्री अलांग माते लागू है। क्रॉस कंट्री एक दूसरा नाम है भाई लॉन्ग रनिंग को। लॉन्ग रनिंग को एक गोल्डन रूल बताऊँ भाई जो मैंने मेरी लाइफ में फॉलो करियो, कि भाई जो राउंड आप पहला राउंड लगाओ, चाहे 400 मीटर मैं आप 5 किलोमीटर पूरी करनी चाहो या 800 मीटर में आप 5 किलोमीटर पूरी करनी चाहो, तो आपको पहला राउंड और लास्ट राउंड में टाइमिंग को बिल्कुल अंतर ना होना चाहिए, ठीक है ना। सेम टाइमिंग में आप रनिंग करनी शुरू करो भाई। पहला राउंड जैसे आपने 3 मिनट में कंप्लीट करी है तो लास्ट जो राउंड है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा राउंड, तब तक भाई आपको सेम टाइम आना चाहिए, ठीक है ना। 1-2 सेकेंड भी ऊपर नीचे हो सके उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी भाई लॉन्ग रनिंग सस्टेनेबल है और आप इसमें अपना गेम बना सको भाई। मैं मेरे 101 दिन का रनिंग अनुभव है, ठीक है, यो तो आपको सोशल मीडिया पे है, और उससे पहला भी मैं 6 महीना तक कंटिन्यू 5 किलोमीटर रनिंग कर चुकी हूँ, और आज ये 100 दिन 6, 3, 9, 9.5 महीने हो गए भाई उस अनुभव से ये बात आप बता रही हैं, ठीक है नहीं, एकदम फेंका फेंकी वाली बात ना है। और उसके बाद में रनिंग के बाद में भाई एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आप रनिंग करके एकदम सीधे घर भाग जाओगे या रुक के रिलैक्स करना शुरू कर दोगे ना तो आप दूसरे दिन रनिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भाई एक्सरसाइज और आपको जो अपर बॉडी है ना, पेट, वो भाई बहुत मजबूत होना चाहिए आप अगर लॉन्ग रनिंग में बढ़िया करने वास्ते, शॉर्ट रनिंग में बढ़िया करने वास्ते। अगर आपका पेट बढ़िया नहीं है ना तो आप रनिंग में सस्टेनेबल नहीं हो सको, आगे सक्सेस नहीं हो सको, ठीक है ना। पेट कति एकदम जोरदार वाली पेट की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और थाई वगैरह उल्टी रनिंग करो भाई, थाई की एक्सरसाइज तो हो जाएगी अपने आप है, ठीक है ना। और 7 दिन में 1-2 दिन 400 मीटर की बढ़िया वाली उल्टी रनिंग लगाओ तो थाई की एकदम बढ़िया वाली रिलैक्स एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। और जो भी फिर तो जंप वगैरह है सब कुछ, मतलब आपने ध्यान पड़न रुक जाए भाई कि आप 15-20 दिन रनिंग करो नहीं तो अपने आप कि भाई ये नहीं हुए, ठीक है नहीं। और नहीं ध्यान पड़े तो भाई का वीडियो देखियो, ठीक है, के लिए भाई बहुत है। और हमने रनिंग वालों वीडियो भी देख लियोगे बाद में, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी करा आज की वह भी बता दिया सारे भैया ने। तो यह बात ही भाई आप रनिंग कैसे कर सको, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो रनिंग करने के लिए। सबसे पहला भाई आप एक ही बात कही पहले दिन थे कि आपने घरों निकलना पड़ी, ठीक है नहीं।
यूं मत सोच भाई आज नहीं करूँ कल कर लूँगा, कभी नहीं हो सकेला या लाडले, ठीक है ना। पहले दिन सोचा ना कि भाई आज रनिंग करनी, निकल जा घर से, चाहे तू ग्राउंड पहुँच, दौड़ी मत भले। पहले दिन ग्राउंड पहुँच गए, एक दो राउंड पैदल काट के घर चलो जा, दूसरे दिन दौड़ना शुरू कर दी, अपने आप मन में वो जुनून सवार हो जाए, ठीक है ना। चलो फिर है एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज करा भाई। कल हो गए थे भाई हमने 100 डे पूरे और आज 101वां दिन है, तो रनिंग चल पड़ी है 5 किलोमीटर करके कंप्लीट, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी कराँगा। देख लो रनिंग वाला वीडियो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज वाला वीडियो देख के, पूरा वीडियो देख के वीडियो खत्म करेगा भाई, ठीक है नहीं। बहुत मेहनत करी भाई ये वीडियो बनाने में भाई, रनिंग कंप्लीट होने के बाद की कंडीशन है देख लो। और इसमें भाई रनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं जोर जोर भाई नाक से सांस लेनी है 5-7 बार और मुँह से छोड़ देनी है, तो एकदम सांस नॉर्मल हो जाओ भाई रनिंग करने के बाद में हाथों हाथ। अपनी रनिंग हुई कंप्लीट है, अपनी रनिंग तो भाई यूँ ही चलेगी, ठीक है ना, जब तक है रनिंग पहुँचेगी तभी बताऊँगा जड़ तक, ठीक है ना। रनिंग के बाद में भाई वॉकिंग भी कर ली 2 राउंड है। चलो फिर वीडियो करा भैया, ठीक है, खत्म। बोल शंकर भगवान की जय भाई, जय हिंद।